हमारे YouTube चैनल गो टू सक्सेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कर रहे हैं साइकोलॉजी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के पैडागोजी, जो हमारा 300 प्लस क्वेश्चंस MCQs का टारगेट है। 190 क्वेश्चंस हम पहले 3-4 वीडियोस में कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता यानी कि संगति की, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। इसमें एक मेन चीज है नोट करने की, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इसमें पूछा गया कि संबंध नहीं है तो सामाजिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक यानी कि संवेगात्मक सुरक्षा, ये मनोवैज्ञानिक में आ जाएगी। सानिध्य संगति तो सामाजिक में आ जाएगी, और सामाजिक अनुमोदन और सराहना ये भी समाज द्वारा होता है तो भी आ जाएगा। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये क्या है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। 192, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा विद्यालय और कक्षा पर्यावरण, यानी कि स्कूल में जाके ये बच्चे क्या होता है, बच्चा क्या करता है, अनुशासन में रहता है, उसके फ्रेंड सर्कल बनता है, क्वेश्चंस होते हैं, एजुकेशन होती है, तो उसमें क्या होता है कि कई प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो उनको क्या करता है, वो संज्ञानात्मक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 193, खाली स्थान को एक विप्रेरित शिक्षण का संकेतन माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, तो इसको अभिप्रेरित शिक्षण माना जाएगा, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, आंसर बी। 194, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है तो बुद्धिमान होता है, वह नए परिवेश में स्वयं को, ये भी बुद्धिमानी के लक्षण है, वह जो लंबे निबंधों को रटने की, ये जो रटने की प्रवृत्ति है ना, ये बुद्धिमान बच्चों में नहीं पाई जाती, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 195, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को। तो इन्होंने कहा है ना कि वो अडोप्टेशन और अकोमोडेशन की, असिमिलेशन और अकोमोडेशन की जो बात करी गई है वो तो पियाजे ने की है। वो कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में, ये कई बार कई उसमें आया है एग्जाम्स में क्वेश्चन, सीटेट में भी आया है, DSSB के PRT में भी आया है कि कृतिका घर में है, वो ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में बात करती है, तो क्या दर्शाता है ये दर्शाता है कि उसके विचारों को क्या होता है कि विद्यालय में मान्यता मिलती है, और जिस बच्चे को, मतलब जिस बच्चे की सुनी जाएगी, उसके व्यूज़ को, उसके दिमाग में या मन में क्या चल रहा है, तो बच्चा वहीं पर अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो ये हो जाएगा इसकी कि ये दर्शाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? तो वो हो जाएगा शिक्षक और शिक्षार्थी की जो बात करता है, तो हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, जो मोटिवेशन है, वो क्या करता है? शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है, यही सही है, अलग नहीं करता, पहला गलत है, पीछे सीखे को नए से क्या करता है, जोड़ता है, एक दिशा में नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है वो, कई दिशाओं में सोचने के योग्य बनाता है, और समझ शक्ति को तो बढ़ाता ही है इस, लेकिन इसमें क्या होता है, मोटिवेशन समझ शक्ति को नहीं बढ़ाता, उसकी इंटरेस्ट का विकास करता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खाली स्थान की ओर संकेत करती है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, तो उसमें पूरा कार्यक्रम आ जाएगा करिकुलर में, ठीक है, जो मतलब चाहे उसमें उनका खेलना हो गया, पढ़ना हो गया, को करिकुलर एक्टिविटीज़, म्यूजिक वगैरह जो कुछ भी है वो सब उसमें आ जाएगा। निचली, क्वेश्चन नंबर 200, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पत्ति मूल रूप से आधारित है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ये ठीक है, ऑप्शन बी। एक बच्चा अतीत का समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में की प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा उसका प्रभाव नियम, यानी कि जो उसने पहले सीखा है और वैसी उसके सामने सिचुएशन आ जाती है,
तो वो क्या अनुक्रिया, क्या रेस्पॉन्स देगा? तो वो होगा प्रभाव नियम, कि पिछले उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके अकॉर्डिंग ही वो। क्वेश्चन नंबर 202, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली में क्या होता है, अभिव्यक्ति में नवीनता होती है, जिज्ञासा होती है, सृजनात्मक विचार होते हैं, लेकिन झगड़ा नहीं होता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 203, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो कैसे करानी चाहिए? अब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कि अन्य समान बच्चों के साथ उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।